सो राहुल गांधी जी की अभी ये यात्रा अभी चालू है, आज फरीदाबाद के बड़खल मोड़ पे इनका आज के दिन का ये अंतिम पड़ाव था। यहाँ पे बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं सोनीपत से। जी जी सॉरी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे, जो राहुल गांधी जी ने जो अभियान ये शुरू किया है उससे कितना फ़र्क पड़ा? फ़र्क पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, फ़र्क आप देख सकते हैं, आज फरीदाबाद के अंदर घुसे हैं और जिस तरीके से जन सलाहबाद जुड़ा है रोड के ऊपर, हम ये देख के हैरान थे कि आम जो आदमी है, जो सर्विस क्लास लोग हैं या जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, जो रोड पे जा रहे थे गाड़ी रोक रोक के राहुल जी को आवाज़ मार रहे हैं, राहुल जी से अपनी बात रखना चाहते हैं भी किस तरीके आज की सरकार ने दुखी कर रखा है। देखो राहुल जी एक बात कह रहे हैं, इस नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत बांटने आया हूँ। तो आप ये देखो कि वो व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है, ना कोई बिरादरी, ना कोई जात पात, ना किसी धर्म की, 36 बिरादरी को साथ लेके वो सिर्फ और सिर्फ भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात। आज आप ये देखो, कम से कम 9 स्टेट पूरे हो चुके हैं, 9 स्टेट चल रहा है हरियाणा, कन्याकुमारी से लेकर, और इतना जनसलाब जुड़ता जा रहा है, देश भर में एक आवाज़ जा रही है कि भाई राहुल गांधी जी के साथ, और आज विपक्ष को दिखने लग गया है कि भाई राहुल गांधी जी की ये यात्रा इतनी सक्सेसफुल होती जा रही है, तो आज एक वो डर सा उनके मन में आ चुका है। जी जी, पर मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये राहुल गांधी जी को पहले नहीं करना चाहिए था ये जो यात्रा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ठीक टाइम पे, ठीक उससे डंके की चोट पे इन्होंने जो मेहनत शुरू करी है वो उनको सुनाई दे रही है, अब उनको आवाज़ जा रही है कि तुमने जो किया है इतने सालों में, ये सारा गलत तुम करने लग रहे हो, सारा देश बेच के तुमने जो है ना सबको कंगाल बना दिया है। आपको लगता है रोजगार दे पाएंगे राहुल गांधी? रोजगार के मामले में तो पहले भी सरकार ने बहुत रोजगार दिए हैं, अब जो आप कोई भी भर्ती उठा के देख लो, इनकी 2014-15 के बाद कोई भर्ती कोई पूरी हुई नहीं है, और भर्तियां जो चल रही हैं, अगर हम रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, तो इन्होंने जैसे अग्निवीर ले लिया अब 4 साल के उस पर, और फिर आप रोजगार की बात करें तो 2014-15 के बाद कोई भी भर्ती लगभग पूरी नहीं हुई है, और भर्तियाँ पेपर लीक के मामले हैं, मतलब इस तरह से मतलब बहुत सारे मामले हैं कि ये बेरोजगारी में वो बढ़ाने में ना है, आप इस बात को बिल्कुल क्लियर हो जाएं। बीजेपी ने 14 में क्या बोला, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आए नहीं आए। पर क्या ये राजनीतिक स्टंट नहीं है, राजनीतिक मतलब जो है, मैं आपको इसी बात को पूरा करना चाह रहा हूँ। आप जॉब की बात कर दे, पहले जॉब को पूरा करूंगा फिर आपके राजनीतिक मुद्दे बात करूंगा। जॉब की बात आप कह रहे हैं, जॉब देना ही अपने आप में एक राजनीतिक, सबसे बड़ी बात ये है जब तक कांग्रेस की सरकार रही, आज आप आम आदमी से पूछो उस टाइम फसल के दाम क्या थे, दूसरी बात उस टाइम कितने छोटे व्यापारी हमारे देश में एक्टिव थे, कितनी गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्टिव थी, जो जहाँ से व्यापार चलता था और रोजगार मिलते थे, जब आज वही खत्म हो गए तो रोजगार कहाँ से मिलेंगे? फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है बहुत बड़ा, आज यहाँ के आम आदमी जो भी खड़े हैं उनसे पूछ के देखो आज क्या हालात हैं, जो उस टाइम जॉब मिला करती थी आज मिल रही हैं, आज दर दर अपना बायोडाटा लेकर घूम रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही है। क्या जो डूबती हुई नैया है कांग्रेस पार्टी की, क्या वो इससे उभर पाएगी इस यात्रा से? डूबती नैया आपको लग रही है, आप पूरे देश में देखो ना, जैसे एक गर्मियों में आंधी आती है ऐसे सर्दियों में आंधी आई, इस आंधी ने बीजेपी को उड़ा दिया है, और जैसे माहौल चल रहा है अगला हमारा देश बदलाव चाह रहा है। अच्छा, राहुल गांधी जी का बात, बदलाव हो पाएगा देश में? देखिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जितनी हमारी मीडिया है उसकी आज के दिन आवाज़ दबाई जा रही है, आप हिम्मत करके हमारे राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ, हम कोई गोदी इंडिया नहीं है, कोई केजरीवाल मीडिया नहीं है। आपने अपने सवाल का जवाब स्वयं ही दे दिया है कि गोदी मीडिया है जो हमारी आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही है, और आज के दिन हरियाणा में, भारत में अगर कोई भी नेता है जो आम जन की आवाज को बुलंद कर रहा है, 36 बिरादरी की आवाज को उठा रहा है, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। इसीलिए इतनी ठंड में भी 6 बजे सुबह उठकर भी हमारे लिए, भारत को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अगर आप ये यात्रा देखेंगे तो ये यात्रा किसी भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई ढोंग नहीं है, ये यात्रा गरीब को अमीर से जोड़ने के लिए है, ये यात्रा बेरोजगार को रोजगार से जोड़ने के लिए आप है। यात्रा को सफल मानते हैं? बिल्कुल, ये यात्रा पूर्णतः ही, आप क्या कहना चाहेंगे, ही बढ़ती जा रही है और सफल होगी निश्चित तौर पर है, बताइए क्या कहना? ये 100% सफल है, और राहुल गांधी
अगली बार 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। पक्का? पक्का। तो देखिए जी, ये फरीदाबाद की जो यहाँ पे जनता है उनसे हमने बात की, और ये एक सवाल उठता है मीडिया का कि मीडिया बिकी हुई है या उसकी मीडिया है। मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने कहा कि उस तरह का तमका मेरे ऊपर नहीं, हालांकि मैं इतना, मेरा कोई बहुत ज़्यादा फेमस और बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन एक पत्रकार का कर्म है पत्रकारिता करना, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को बरगलाना या फिर सिर्फ एक किसी पार्टी विशेष का रहना। धन्यवाद, आप हमारा चैनल देखते रहिए विंडसर न्यूज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। असली मीडिया तो आप लोग ही हो सर।